उसकी लास्ट प्राइज है, मैंने बोला नो सॉरी, बस बंदा निकल गया, स्टोरी ओवर। 13 डिग्री सेल्सियस एंड इट रियली फील्स वेरी कोल्ड राइट नाउ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप रीडिंग ग्रेट। एकदम छोटू सा इंट्रो आज ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए, बिकॉज कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था कि मैं कैसे आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत करूँ। सो इफ यू गाइस हैव सीन माय लास्ट ब्लॉग, तो मैं मेरा ड्रोन बेचने गया था गांधीनगर, बट वो डील फिक्स नहीं हो पाए। और मैंने मेरे आखिरी ब्लॉग में कहा भी था, पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। सब जरा बैठ के लेट्स टॉक। तो स्टोरी में कुछ ऐसा है ना कि मैं जिस बंदे को ड्रोन बेचने वाला था, हम लोग वो बंदे का, मतलब कि मैं और हर्षिल वो बंदे का डीकैथलॉन पे 3 घंटों से उसका वहाँ पे स्पेशली वेट कर रहे थे। 6:45 वो बंदा वहाँ पे आया, मैंने उसको ड्रोन उड़ा के दिखाया, उसने मुझे बोला कि आपकी लास्ट प्राइस क्या है। सो मैंने उसको एक अमाउंट बोला, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लाइक मैंने जिस भाव में ड्रोन खरीदा है मैं उससे उसको डबल भाव में बेच रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं साथ साथ कंट्रोलर दे रहा हूँ, मेरा एक्सटेंडर भी दे रहा हूँ, मतलब कि लाइक फुल पैकेज ले जा, बाद में मेरा क्या काम का है। सो बैक टू द पॉइंट, मैंने उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट बोला, उस बंदे ने सीधे वो अमाउंट में से 40% निकल के बोला कि ये मेरी लास्ट प्राइस है, मतलब कि वो बंदे ने बोला कि वो उसकी लास्ट प्राइस है। मैंने बोला ना सॉरी, एंड आप लोग मानोगे नहीं क्या हुआ, मैंने मेरा ड्रोन ऑफ किया, ड्रोन में बस लाइक बॉक्स में रखने जा रहा था, उसने ये बात बोला कि ये उसकी लास्ट प्राइस है, मैंने बोला नो सॉरी, बस बंदा निकल गया, स्टोरी ओवर। बंदा निकल गया बिना कुछ बोले कि लाइक ये थोड़ा निगोशिएट करो आप लोग, मतलब मैं थोड़ा प्राइस कम करूँ, कुछ नहीं, हमारी इतनी बात हुई। वो हार्डली 3 मिनट से ऊपर नहीं लाइक रुका होगा वहाँ पे डीकैथलॉन पे। सो मैं शॉक, हर्षिल शॉक, वो बंदा रॉक। बस ऐसा कुछ लाइक यही स्टोरी थी। सो उसे ऐसा लगा होगा कि लाइक मैं स्पेशल हिम्मतनगर से आया हूँ तो मैं उसको ड्रोन बेच के ही जाऊँगा, वो बोले उस भाव में, भले मुझे कितना भी लॉस हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एट लास्ट डील हमारी नहीं हो पाया, और उसके बाद उस बंदे ने मुझे कॉल भी किया, बोला कि भाई प्लीज मुझे ड्रोन बेच दे, ये ना वो ना एंड ऑल दैट, एंड एट लास्ट आई डिनाइड, मैंने बोला सॉरी नहीं होगा। और अब जरा बात करते हैं मेरे वो बड़े वाले पार्सल के ऊपर। तो मैंने कहा था कि मेरे एक बड़ा वाला पार्सल आने वाला है, सो वो पार्सल आ चुका है, एंड दिस पार्सल इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्सल ऑफ 2021। दिस इज दैट पार्सल, आई होप कि मेरा कुछ अभी बिल बॉक्स नहीं दिख रहा। सो इसको भी जरा साइड में मैं रख लूंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिवील के अंदर क्या है, इसको मैं रिवील करूंगा कुछ समय बाद। सो आप लोग जरा एक और नजर देख लो, यही है मेरा वो छोटू सा मोटू सा पार्सल। एकदम सेफ ले यहीं पे अब रहेगा, और इसी पार्सल के रिलेटेड मेरे और 3 पैकेज भी आने वाले, लेकिन वो कल आएंगे। अमेजोन वालों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, और मुझे वो लोग मेरे तीनों पार्सल साथ में कल डिलीवर करेंगे। वो तीनों चीजें भी इसी के रिलेटेड ही है, इसको अभी छुपा के ही मैं रखता हूँ, बिकॉज बाहर बिकॉज कुछ बैंक में काम है। देन उसके बाद मुझे अराउंड 150 पेजेस के प्रिंट आउट भी निकालने, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारे एग्जाम्स माइट हो सकती है, सो इसीलिए वो प्रिंट आउट भी निकालनी है। सो ऑलराइट, फाइनली बैंक का काम खत्म। एक्चुअली मेरा कोई तो अमेज़न का रिफंड आया था, लेकिन पहली बार मुझे जैसा सेकंड या सो मुझे पहली बार चेक में पेमेंट आया, वो भी किसी डूचूस बैंक का, DET ऐसा कुछ तो नाम था, या DEUTSCHE बैंक, मैंने खुद पहली बार नाम सुना। ओके सो प्रिंट वाली शॉप, और फिर जाना है यहाँ पे हार्डवेयर शॉप में, बिकॉज आई नीड टू गेट सम 9 वोल्ट बैटरीज एंड अ डबल सेल, आई मीन डबल ए बैटरीज। सो दिस इज अराउंड 150 पेजेस, अब आई जस्ट गेट दैट 9 वोल्ट की बैटरीज। मुझे कुछ ये वाली 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी, एक्चुअली आई नीड दी ड्यूरासेल वाली कंपनी की बैटरी, बट वो नहीं मिली, बस अवेलेबल थी एवर रेडी और वो 20 रुपए वाली HIV, एंड द लास्ट ऑप्शन वाज दिस निपो, सो आई जस्ट गॉट दिस निपो की बैटरी। काम खत्म, लेट्स गो होम। तो मैं पिछले 1.5 घंटे से इसी बॉल हेड को रिपेयर कर रहा था, बिकॉज ये बॉल हेड बहुत लूज हो गया था एज आई वॉज यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर मैंने इसको पूरा खोला, मतलब मैंने इसे पूरा डिसअसेंबल किया, उसके बाद उसके अंदर से गलती से मुझसे स्प्रिंग टूट गई। फिर मैंने ये डीकैथलॉन के रबर का यूज़ करते हुए मैंने इस रबर को अंदर कहीं तो एक जगह पर फिट किया है, और उस वजह से
एस फोन का तो उतना कुछ वजन होता नहीं है, सो फोन के लिए इट्स परफेक्ट। सो ये हो गया टाइट, अब ये आराम से यहाँ पे स्टडी रहेगा, और मैं चाहूँ तो इसे भी और भी टाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया बिकॉज अपने लिए इतना काफ़ी है, एस फोन का तो उतना कुछ वजन होता नहीं है, सो फोन के लिए इट्स परफेक्ट। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। करंटली इट्स अराउंड 5:40, आई हैव अ लेक्चर एट 7:30, सो आई थॉट कि उससे पहले क्यों ना मैं फटाफट से वीडियो को एंड एडिट और अपलोड भी कर देता हूँ, उसके पहले एक्सपोर्ट होता है ऑफ कोर्स। लेकिन कल जब तक मेरा वीडियो रिलीज होगा सुबह 9 बजे, तब तक मेरे ये वाले पार्सल के जो भी 3 चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाएगी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और उसी के काम में आने वाली एक चीज़ है ये छोटी सी 9 वोल्ट की बैटरी, सोच लो क्या हो सकता है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी तो आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, प्लस वो बेल आइकन, प्लस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नाम है मिस्टर व्लॉगर्स। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा होपफुली परसों सुबह 9 बजे और पैक्ड वाले पैकेजेस के साथ। टिल देन गुड बाय, सायोनारा, नस्विदानिया। Thank you.